यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। रोमानिया में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय छात्रों से मुलाकात की और हालचाल जाना। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बच्चों को विश्वास दिलाया कि एक एक बच्चे को वापस भारत ले जाया जाएगा। पीएम मोदी ने चार जगहों पर चार मंत्री भेजे हैं, किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फ्लाइट रवाना होने से पहले बच्चों के माता पिता से फोन पर बात की। मंत्री सिंधिया ने लिगामेंट टेयर से पीड़ित एक छात्रा को प्लेन में पहली सीट पर बैठाया और समय पर दवाई लेने की हिदायत दी। और आप दोनों, आपके आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्कस कर लिया। कहाँ से आई? दिल्ली। मराठी बोलने का तुम्हें आए ना पुणे तो माझा घर है बाबा। हाँ, वाटोवाड़ी मध्ये आपकी छत्री आहे, तुम्हाला माहिती आहे माझी मान माझे पूर्वज काय करतात होते ओडिशामध्ये वडील जवळ मोठी झाली, आई बाबा जवळ मोठी झाली। आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंच रहा हूँ दिल्ली से। जब तक आप सब लोगों को रवाना करें यहाँ, आगे एक फ्लाइट जा रही है मेरी वाली फ्लाइट, कल चार फ्लाइट आ रही है, हजार बच्चों को हम लोग कल से ठीक है। मैं एयरपोर्ट पर ही आऊँगा, सबको मैं स्वयं से प्रधानमंत्री जी ने हमारा उनको भेजा है, चार मंत्रियों को चार बच्चे वही डटे रहना है, हर एक हमारा बच्चा से रखो वापस रखेंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, कोई भी जरूरत पड़ेगी वहाँ तो मुझे जरूर बता रहा। खाने वाने का इंतजाम है सर, अभी कोई इशू तो नहीं आया, बिना लेकर के गया मेरा शेयर का नंबर है, मेरे पास कोई बात होगी तो हो जाएगा। अच्छा लगता है बोल रहा हूँ, मैं सिंधिया बोल रहा हूँ, मैं प्रिया के पास खड़ा बैठा हूँ और मैं इनको यहाँ से रवाना कर रहा हूँ। वो करें से आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपने पहचाना मुझे? आपने पहचाना मुझे? मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहा हूँ, सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो प्रिया को हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं, आपके हाथ बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाएगी। पन्ना के नजरबाग